हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। आज स्टिचिंग क्लास का थर्ड डे है और हम बेसिक स्लीव की कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग आपको सिखाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। ये शीट 21 इंच लंबी है और इसी के हिसाब से मैं बाजू की लेंथ रख लेती हूँ और इस तरफ से 16 इंच है। उधर 8 इंच के फासले पे निशान लगाना है ऐसे। और इस तरह लाइन ड्रा करनी है। एक लाइन इधर लगा देती हूँ। ये रिस्ट वाली साइड है और ये ऊपर शोल्डर वाली साइड है। इस तरफ से 3 इंच छोड़ के इस तरह निशान लगाना है और इधर से भी 3 इंच छोड़ के फिर यहाँ इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना। इस तरफ से इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और इधर से 5 इंच बाजू रख लेते हैं। 5 इंच फिटिंग का निशान है और 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 7.5 इंच। और इधर से 7 इंच। अब इनको आपस में मिला लेते हैं इस तरह। ये फिटिंग का निशान है और ये मैं अंदर से एक्स्ट्रा रख के निशान लगा देती हूँ। यहाँ सिलाई आएगी और ये अंदर कपड़ा होगा। अच्छा, इसी को अगर आपने अगर हाफ बाजू बनाना है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और ये है 11 इंच, 11 इंच तक इतना होगा हाफ बाजू। और अगर क्वार्टर बनाना है आपने तो वो आएगा यहाँ, यानी कि 7 इंच। 7 इंच वो उसकी पूरा नाप है और ये अंदर मोड़ने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है यहाँ तक। यानी अगर आपने क्वार्टर बाजू रखना है तो यहाँ ड्रा करें लाइन, और अगर आपने हाफ बाजू रखना है तो यहाँ करें। ये 11 इंच है और 8 इंच है ये। और 8 इंच रखा है और सिलाई मोड़ के यहाँ से कपड़ा मोड़ के 7 इंच रह जाएगा। 7 इंच ये तैयार बाजू होगा और फुल इसकी लंबाई है 90.5 तैयार।
ये जो एक्स्ट्रा ये अंदर मुड़ जाएगा कपड़ा, ये इस तरह अंदर ऐसे मोड़ के सिलाई लग जाएगी और तैयार हमारा बाजू ये रह जाएगा। ये देख लें, अगर आपने क्वार्टर बाजू बनाना है तो यहाँ तक, और अगर हाफ बाजू बनाना है तो यहाँ तक रखेंगे 11 इंच। अब शोल्डर की तरफ आ जाते हैं, ये हमारा आर्म होल है, इसको 3 इंच के फासले से इसकी कटिंग की थी, ये 3 इंच छोड़ के, और इस तरफ से भी 3 इंच रख के यहाँ लाइन ड्रा कर ली थी। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे। अब ये बाजू की बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड है बाजू की। अब ये फ्रंट साइड जो है ना, इसे इस तरह 1/4 इंच यहाँ निशान लगाए 1/4 इंच के फासले पे, इस तरह से। ये फ्रंट साइड है और इसको ऐसे काट लेंगे। इसी तरह इसकी कटिंग आती है। इसी बाजू को अगर आपने और टाइट करना है, आगे से तंग करना है, यानी 4 इंच का रखना है या 4.5 इंच का, तो यहाँ निशान लगाएं और 1 इंच यहाँ लगाएं, 1 इंच यहाँ, और इस तरह लाइन ड्रॉ कर दें। शोल्डर की साइड से फिटिंग सेम रहेगी? वो सेम रहेगी, ये देखिए ऐसे। ये हमारा क्वार्टर बाजू, ये हाफ, और ये फुल बाजू, हाफ बाजू। और ये क्वार्टर बाजू की कटिंग, ये यहाँ से अपना नाप ले लें इस तरफ से, और अगर आपको यहाँ से और तंग करना है बाजू इस तरह, तो अपना नाप के हिसाब से कर लें। ठीक है, ऐसे। इस तरह है। पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया उसी के हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं। 8.5 इसकी, इसका तैयार बाजू रखना है, और 1 इंच मैं इसको ज़्यादा छोड़ देती हूँ अंदर से, नीचे से इसको 3 इंच के फासले पे निशान लगाएं, और इस तरफ से भी 3 इंच के फासले पे, और इसे इस तरह मिला दें। अब दूसरी तरफ से इसका बाजू 7 इंच रखना है आगे से, यहाँ से यहाँ ऐसे मार्क कर लें, निशान लगा लेते हैं,
और यहाँ से बाजू काट लेती हूँ। पूरा बाजू ये है, अब बाजू का ये अगला हिस्सा है, इसे ये सेंटर है बाजू का, यहां से ऐसे इसकी अगले हिस्से से कटिंग करते हैं। ये सेंटर का कट है, अब यहां से पकड़ के फ्रंट साइड की बाजू के आगे से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह इसे भी सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई किनारे पे लगाएंगे, ये मोड़ के इस तरह से सिलाई लगा ली है, एक इस तरफ और एक किनारे पे। अब इसे फोल्ड करें और जितना भी आपने बाजू रखना है उस हिसाब से रख के यहाँ भी सिलाई लगाई साइड पे। अच्छा, मैं ये आपको दोबारा बता दूं कि ये जो साइड ज़्यादा है और ये कम है, ये ऊपर वाली कम है, ये शर्ट के अगले हिस्से पे आएगी, फ्रंट साइड पे आएगी, और ये जो ज़्यादा है ये बैक साइड पे आएगी। ये जोड़ते वक्त ख्याल रखें, जो ज़्यादा है वो बैक साइड पे और ये जो कम है ये फ्रंट साइड पे आएगी। दूसरा स्लीव भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें।